I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. Okay student, तो I hope आप लोगों की exam सभी complete हो गई होगी. आप लोगों ने बहुत अच्छी preparation भी की होगी और इस वजह से आपको बहुत अच्छे marks भी मिलेंगे. Okay, so हमारा chapter number 2 parts of computer वो start था, right? और हमने लास्ट सेशन में एडिशनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर्स, राइट, कंप्यूटर में हम एडिशनली कोई डिवाइस अटैच करेंगे तो वो भी कंप्यूटर का पार्ट ही हो गया. तो हमने स्पीकर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, माइक्रोफोन, हेडफोन, राइट, वो सभी प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया था. और उसके आगे हमने मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी देखे थे. कौन कौन से थे मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर? यस, फोर टाइप ऑफ, फोर मेन पार्ट है. कौन कौन से? मॉनिटर स्क्रीन, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, राइट. ओके, तो आज इस चैप्टर का लास्ट सेशन है. लास्ट सेशन हम एक्सरसाइज सॉल्विंग का रखते हैं और आज मैंने थोड़ी सी अपनी मेथड पैटर्न चेंज की है. हमने चैप्टर 1 में ऐसे बोर्ड के सामने में खड़ी रह के आपको सभी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रही थी, पर शायद मुझे ऐसा लगा, मैंने आपकी बुक्स चेक की उस हिसाब से, कि शायद आपको वो थोड़ा सा टफ लगा होगा. तो आज मैं ऐसा करने वाली हूँ कि आपके सामने टेक्स्ट बुक ओपन करके आपके साथ साथ मैं भी टेक्स्ट बुक में सभी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करूंगी, विथ पेज नंबर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी. तो आई होप आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा वर्क करना. ओके, पर आज उससे पहले हम लोग लास्ट सेशन में जो कुछ डिस्कस किया था एडिशनल डिवाइसेस के बारे में, उसमें मैंने आपको वर्कशीट्स दी थी, वो पहले मैं आज सॉल्व कराऊंगी. और ये डिसाइड किया है मैंने कि वर्कशीट भी मैं आपको वैसे ही सॉल्व करवाऊंगी, राइट. ओके, और आज इस सेशन के साथ आपको डबल वर्कशीट मिलेंगी. कौन कौन सी? एक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ तो CW नोट्स मिलेंगी, और एक चैप्टर एंड वर्कशीट जो ऑब्जेक्टिव वाली है वो मिलेगी, राइट. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो लास्ट सेशन में हमने वर्कशीट भेजी थी वो, और फिर आज चैप्टर 2 की लास्ट में जो टेक्स्ट बुक में हमारी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे. तो प्लीज सभी ध्यान रखना और मेरे साथ साथ सभी टेक्स्ट बुक में अपना वर्क कंप्लीट कर लेना, राइट. ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, राइट. आपकी वर्कशीट मैंने आपको भेजी थी, उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आई गेस. ओके, और अभी कंफ्यूज मत होना कि दीदी के पास ये कौन सी बुक है, जो हमारे पास तो नहीं है. आपके पास वर्कशीट होगी और मेरे पास रेफरेंस बुक है, क्योंकि रेफरेंस बुक में से ही मैंने ये क्वेश्चन लिया था, राइट. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करते हैं. कलर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंप्यूटर यूजिंग द गिवन कलर स्कीम. मतलब कि आपको जो नीचे यहाँ पे अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको कलर स्कीम के हिसाब से कलरिंग करना था, राइट. जैसे कि कीबोर्ड में आपको रेड कलर करना था. सिस्टम यूनिट मतलब कि सीपीयू में आपको ब्लू कलर करना था. माउस में आपको येलो कलर करना था, और मॉनिटर में आपको करना था ग्रीन कलर, राइट. तो मेरे पास क्रेयोंस है. हम सबसे पहले मॉनिटर से स्टार्ट करते हैं. मॉनिटर में हम करेंगे ग्रीन कलर, राइट. मेरे पास है यहाँ पे ग्रीन कलर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर करने की ट्राई करती हूँ, राइट. जो कि दीदी को तो आपके जैसा कलरिंग प्रॉपर नहीं आता है, पर आपको यहाँ पे करना है ग्रीन कलर,
राइट ओके और बहुत ही अच्छा कलरिंग करना है हाँ राइट यहाँ पे मैंने कहा मैंने यहाँ पे किया ग्रीन कलर मॉनिटर में ग्रीन कलर। दीदी यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कलरिंग कर को आपको दिखा रही है, आपको पूरा ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन सभी ग्रीन कलर से करना है राइट ओके। फिर हम लेते हैं सीपीयू मतलब कि सिस्टम यूनिट, उसमें आपको करना था ब्लू कलर राइट। आप स्काई कलर मींस लाइट ब्लू कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और मेरे जैसा डार्क कलर का भी यूज़ कर सकते हैं राइट। तो यहाँ पे दीदी ट्राई करेगी ब्लू कलर ओके पूरा सा प्रॉपर कलरिंग करना है ओके चलो दीदी ने यहाँ पे आपको दिखाया, आपको ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ 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 बिल्कुल प्रॉपर कलरिंग करनी है। तो ये है सिस्टम यूनिट मतलब सीपीयू, आप सीपीयू में करोगे ब्लू कलर राइट। चलो फिर माउस में करते हैं येलो कलर, यहाँ पे लिखा है राइट माउस में क्या करना है हमें येलो कलर, तो हम यहाँ पे करेंगे येलो कलर बहुत ही अच्छे अच्छे कलरिंग करना है हाँ। ऐसे नहीं कि दीदी ने दिया और हमने रफली कलरिंग कर दिया राइट। यहाँ पे आपको करना है येलो कलर प्रॉपर करिएगा सभी ओके। फिर एक रह गया कीबोर्ड और कीबोर्ड में हमें बोला गया है रेड कलर करने को, तो हम यहाँ पे जो नन्हे नन्हे बॉक्सेस दिए हैं आपको उसमें आपको करना है रेड कलर। आप आसपास भी प्रॉपर रेड कलर कर सकते हो राइट, पर ये बीच में जो कीज है सभी वो प्रॉपर दिखनी चाहिए, कीज में कलरिंग करना नहीं है। अगर किसी ने कर दिया है तो फिर चलेगा ओके। सो यहाँ मॉनिटर में हमें करना है ग्रीन कलर, यहाँ सीपीयू में हमें करना है ब्लू कलर और माउस में हमें बोला गया है कि हमें येलो कलर करना है राइट, और यहाँ कीबोर्ड में हमें रेड कलर करना था। तो आई होप आपने सभी इसी तरह से प्रॉपर कलरिंग किए होंगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ओके। फिर हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन राइट। इंस्ट्रक्शन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पे 1 2 3 तीन क्वेश्चन है और सभी के ए बी सी ऑप्शंस है, आपको सही आंसर में सही ऑप्शन में टिक करना है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, दिस पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन, मतलब कि नीचे आपको जो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा पिक्चर कौन सा ऐसा कंप्यूटर का पार्ट है जो टेलीविजन स्क्रीन के जैसा हमें दिखाई देता है, तो ऑफ कोर्स ये बी, तो यहाँ पे आपको नीचे करना है टिक ओके ये आंसर है। फिर सेकंड है दिस पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हैज मैनी बटन्स ऑन इट, क्या लिखा है दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर हैज मैनी बटन्स ऑन इट, मतलब कि कंप्यूटर के कौन से पार्ट में बहुत सारे बटन्स होते हैं। तो आपको आता ही होगा यहाँ पे कीबोर्ड है, फिर हेडफोन है और मॉनिटर स्क्रीन है, तो आपको पता है कि वो ढेर सारे बटन है वो कीबोर्ड में आते हैं, तो आंसर आएगा कीबोर्ड, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे राइट ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर कंटेन द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो मतलब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे बोलते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे है माउस,
सेकेंड है स्पीकर्स और थर्ड है सीपीयू। तो हमने बोला था कि सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ये सी ऑप्शन। तो हम यहाँ सी ऑप्शन में टिक करेंगे। ओके ओके, ये टू क्वेश्चंस कंप्लीट। ओके नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ये, कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर क्लूज। मतलब कि आपको यहाँ पे क्रॉसवर्ड इज दिए गए हैं, आपको क्या करना है, ये पिक्चर की हेल्प से आपको ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है। तो चलिए फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको मालूम होगा, पता होगा कि ये क्या है, ये कौन सा पिक्चर है जो एस से स्टार्ट होता है। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, स्पीकर्स राइट, ये स्पीकर का पिक्चर है। तो स्पीकर में हम यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे एस पी ई ए के ई आर एस राइट, ये हमने लिखा स्पीकर्स का स्पेलिंग। क्या लिखा है, एस पी ई ए के ई आर एस राइट। ओके फिर ये वाला लिखते हैं, ये पिक्चर है कीबोर्ड का राइट। तो कीबोर्ड का स्पेलिंग के ई यहाँ पे आ गया, वाई बी ओ ए आर डी, तो ये हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड का स्पेलिंग के, फिर ई यहाँ पे आया, वाई लिखा बी ओ ए आर डी, तो ये हो गया कीबोर्ड राइट। फिर ये कंप्लीट करते हैं, ये पिक्चर कौन सा है। तो दीदी ये तो बहुत ही इजी है, ये पिक्चर तो माउस का है राइट। तो माउस का स्पेलिंग है एम ओ यू एस ई राइट। तो ये है माउस, तो यहाँ पे क्रॉसवर्ड कंप्लीट हो गया। ओके अभी टू क्रॉसवर्ड इज बच्चे है राइट। ओके यहाँ पे और यहाँ पे राइट। ओके तो ये वाला कंप्लीट करते हैं। ओके तो ये है सीपीयू, पर हमने आगे बताया यहाँ पे कि हम सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी बोल सकते हैं। तो ये क्रॉसवर्ड में अगर आप सीपीयू नॉट करेंगे तो आपका क्रॉसवर्ड कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम यूनिट लिखना है। माना कि ये हमारी बुक में नहीं है, पर हमें नई चीज़ जानने को मिली राइट, कि हम सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्टम यूनिट। और हाँ डोंट वरी, ये कोई मैं एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाली हूँ कि सीपीयू का दूसरा नाम मुझे बताइए, नो। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम यूनिट का स्पेलिंग। तो सिस्टम यूनिट एस लिखा है, Y S T E M U N I T राइट। तो ये हो गया सिस्टम यूनिट का स्पेलिंग, S Y S T E M U N I T सिस्टम यूनिट राइट। ओके अभी एक ही क्रॉसवर्ड बाकी रह गया, तो ये पिक्चर है मॉनिटर स्क्रीन का राइट। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉनिटर का स्पेलिंग, एम ओ एन आई टी ओ आर राइट। तो ये हो गया हमारा क्रॉसवर्ड कंप्लीट, बहुत ही इजी था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे राइट। फर्स्ट था स्पीकर्स, सेकेंड था कीबोर्ड, थर्ड था माउस, फोर्थ है सीपीयू का पिक्चर, बट सीपीयू को हमने सिस्टम यूनिट कहा, तो यहाँ पे सिस्टम यूनिट।
और ये पिक्चर है मॉनिटर का, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा मॉनिटर। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। और आगे हम हमारा चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर टू की जो एक्सरसाइज सॉल्विंग थी वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। और ये हम ऐसे ही करेंगे बुक में से, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन से पेज में कौन सी वर्कशीट थी, कौन से क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, और आपको कैसे कंप्लीट करने थे, राइट। सो आपके लिए ये इजी होगा। तो हम आगे से वर्कशीट भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे बुक में, और हमारी एक्सरसाइज सॉल्विंग चैप्टर लास्ट ला अपने चैप्टर एंड एक्सरसाइज सॉल्व करिए छे टेक्स्ट बुक में, तो ए पण अपने आवीज रीते सॉर्ट आउट करसू। डन, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की एक्सरसाइज सॉल्विंग। यस, ओके। तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 है, 9 में ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। क्या है वो हम रीड करेंगे, कलर द कार एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे एक कार है और उनके पार्ट्स है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, और ये हेल्प बॉक्स है उसमें से आइडेंटिफाई करके, राइट। सपोज यहाँ पे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड है विल, विल है वो यहाँ पे कहाँ पे हम आइडेंटिफाई करके लिखे, कहाँ पे हम मेंशन करें, राइट, ओके। तो आपको शायद पता होगा कि कार में विल यहाँ पे है, राइट। तो हम यहाँ एरो में लिखेंगे विल, WHEEL, राइट। तो यहाँ हमने लिखा विल, ओके। फिर है टेल लाइट। टेल लाइट मतलब क्या, टेल लाइट यानी कि ये वाला पोर्शन जो कार की यहाँ पे लास्ट में होता है। यहाँ पे आपको पता होगा कार में लाइटिंग होती है पीछे साइड, पीछे वाले, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेल लाइट, मतलब कि पीछे की लाइट। टेल का गुजराती मीनिंग होता है पुछड़ी, राइट। तो टेल लाइट, यहाँ पे जो पीछे लाइट है यहाँ एरो इंडिकेट किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेल लाइट, TALLIGHT, टेल लाइट, राइट, ओके। और हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, विल टेल लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से ही आपको कॉपी करना है, ओके। फिर वर्ड है डोर, तो यहाँ पे डोर है, राइट, यहाँ पे डोर है जो एरो इंडिकेट किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोर, DOOR, राइट। तो यहाँ पे आएगा डोर। फिर है साइड मिरर, तो साइड मिरर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे या यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि साइड मिरर यहाँ पे आएगा, यहाँ जो एरो इंडिकेट किया है यहाँ पे हम लिखेंगे साइड मिरर, छोटे हैंड राइटिंग करना वगर, मगर आएगा नहीं यहाँ पे, MIOOR, थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा तो चलेगा, राइट। यहाँ पे आपको लिखना है साइड मिरर, SIDEMIROR, साइड मिरर, राइट, ओके। और फिर क्या बचा, हेडलाइट। तो हेडलाइट आपको पता ही है कि हेडलाइट कहाँ पे होती है, यहाँ आगे, राइट। तो यहाँ आएगा हेडलाइट, HEADLIGHT, हेडलाइट, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और यहाँ पे आपको बढ़िया सी कलरिंग करनी है, राइट। कलर द कार एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको वर्डिंग दिए हैं और यहाँ पे वो वर्ड हमें सही जगह इंडिकेट करने थे जो हमने कर लिए हैं,
राइट ओके सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट 9 पेज नंबर वाला ओके फिर पेज को टर्न करो यस फिर है 11 पेज नंबर 11 पेज नंबर में यहाँ आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का दिया है वो मैं रीड करती हूँ हेल्प रिया फाइंड द पाथ टू रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या लिखा है हेल्प रिया ये गर्ल का नाम रिया है वो पाथ फाइंड कर रही है यहाँ पहुँचने तक का तो हमें हेल्प करनी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू और माउस राइट तो आपको यहाँ पे पाथ फाइंड आउट करना है कि कौन से पाथ से रिया है ये यहाँ तक पहुँच सकती है राइट ओके चलो तो हम ये पाथ है वो सॉल्व करते हैं ओके तो कौन सा आएगा आई गेस आपने सॉल्व किया होगा पर चलो कोई बात नहीं मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ यहाँ से यहाँ फिर यहाँ फिर ऐसे जाने से ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे घुमा लेने का और फिर यहाँ से फिर से राउंड फिर सीधा फिर यहाँ से राउंड और सीधा तो हमें पहुँचा दिया है रिया को यहाँ पे बहुत ही इजी पाथ था राइट यहाँ से यहाँ फिर टर्न फिर एक टर्न फिर टर्न और यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच गए फिर यहाँ से टर्न लेके यहाँ से सीधा और यहाँ से टर्न और फिर सीधा राइट तो ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व की हमने ये रिया की हेल्प की यहाँ तक पहुँचने के लिए राइट ओके तो ये हो गया 11 नंबर के पेज नंबर ऊपर ये एक्सरसाइज सॉल्व डन ओके चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा ये स्नैप चेक ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है तो ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन में कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट इन द बॉक्स आपको क्या करना है यहाँ पे डॉट्स दिए हैं ये डॉट्स आपको जॉइंट करने हैं फिर उसमें कलरिंग करनी है और फिर यहाँ पे जो एरोज दिए हैं उसमें आपको कंप्यूटर के पार्ट्स आइडेंटिफाई करके उसके नेमिंग लिखने हैं और यहाँ आपको याद करना होगा आपको पता है कि ये कौन सा पिक्चर है तो ये है प्रिंटर का राइट प्रिंटर का पिक्चर है पर आपको अगर प्रिंटर का स्पेलिंग नहीं आता तो आपको याद करना है स्पेलिंग और फिर यहाँ पे लिखना है पहले आप लोग डॉट्स है वो ज्वाइन करो ऐसे और एक पिक्चर बना दो प्रॉपर सी राइट ओके और फिर आप लोग इसमें कलर कर लेना और फिर यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करके कंप्यूटर के पार्ट लिखने हैं तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे ये पिक्चर है प्रिंटर का राइट तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटर तो प्रिंटर का स्पेलिंग क्या है पी आर आई एन टी ई आर प्रिंटर ओके फिर यहाँ पे है सीपीयू राइट तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीपीयू का स्पेलिंग तो वो तो बहुत ही इजी है सी पी और यू राइट ओके तो ये हो गया प्रिंटर ये हो गया सीपीयू
राइट ओके, फिर यहाँ पे एरो दिया गया है ऊपर की तरफ, तो ये इंडिकेट करता है ये पार्ट को, तो ये पार्ट क्या है? मॉनिटर, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉनिटर। मॉनिटर का स्पेलिंग अभी आपको आना ही चाहिए, एम ओ एन आई टी ओ आर, राइट। तो ये है मॉनिटर का पिक्चर, ये एरो मॉनिटर इंडिकेट कर रहा है। ओके फिर यहाँ पे है डाउन एरो, ये पिक्चर है स्पीकर का पिक्चर, राइट। तो स्पीकर का स्पेलिंग हमें यहाँ पे लिखना है, तो चलो यहाँ पे लिखो स्पीकर। स्पीकर का स्पेलिंग है एस पी ए सॉरी एस पी ई ए के ई आर एस, यहाँ पे लिखा है, देखो स्पीकर्स का स्पेलिंग, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एस पी ई ए के ई आर एस, स्पीकर्स, राइट ओके। फिर यहाँ पे बचा कीबोर्ड, तो ये कीबोर्ड का पिक्चर है, तो यहाँ एरो में हम लिखेंगे कीबोर्ड का स्पेलिंग, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखना है कीबोर्ड। मुझे पता है कि यहाँ कीबोर्ड का स्पेलिंग प्रॉपर नहीं आएगा, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो के ई वाई बी ओ ए आर डी, राइट। तो बहुत ही इजीली कीबोर्ड का स्पेलिंग आ जाएगा। यहाँ पे है कीबोर्ड, ये एरो कीबोर्ड को इंडिकेट कर रहा है, राइट ओके। तो यहाँ आ गया कीबोर्ड, ओके। फिर एक ही एरो बाकी है यहाँ पे, तो ये है माउस। आप डॉट्स ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ही इजीली दिखाई देगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे माउस। तो माउस का स्पेलिंग है एम ओ यू एस ई, राइट ओके। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ये है सीपीयू, सेकंड है प्रिंटर, फिर है कीबोर्ड, फिर यहाँ पे ये एरो इंडिकेट कर रहा है मॉनिटर को, ये डाउन एरो इंडिकेट कर रहा है स्पीकर्स को, और ये एरो इंडिकेट कर